खबरों में अब बात उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रुड़की आए। वहीं उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं सहित विधायकों ने जमकर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से गर्माजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि मेरा मिशन 27 सीटों से 58 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी को ले जाना है। बता दें कि बंशीधर अपने व्यवहार के लिए पूरे उत्तराखंड में जाने जाते हैं। ऐसे में मिशन 2022 से लेकर 2022 से पहले बंशीधर के हाथों में संगठन की कमान आना पार्टी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आया हूँ और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। रास्ते में तमाम जगह जगह पर बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ स्वागत किया है। मैं यहाँ के सभी विधायक लोग और जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे और जो मंडल अध्यक्ष हैं और जो आम कार्यकर्ता हैं, सभी का, युवा मोर्चे का, महिला मोर्चे का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज हृदय की गहराइयों से मुझे स्वागत किया है। मैं कोशिश करूँगा कि कार्यकर्ता के हृदय में मैं भी उतरने का प्रयास करूँ और कोशिश करूँगा कि जो भी उनकी आशाएं मुझसे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूँ। मेरा लक्ष्य ही यही है कि कार्यकर्ता से सीधे संवाद हो और संवाद होकर कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा पैदा हो और ऊर्जा होकर इस प्रदेश में 57 से सीट 58 हो, कम न हो, बस इसके लिए मैं लगा हूँ। यहाँ पर अपने व्यक्ति विचार आह्वान किया कि शासन में पार्टी में रहें और परिवार को आगे बढ़ाएं और हमारा लक्ष्य 2022 है और सभी लोग जो है पार्टी के हित पर काम करें, मुझे पार्टी के खिलाफ काम करने का उत्साह है। कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा आज के कार्यकर्ता बहुत उत्साह है। कार्यकर्ताओं को एक नया ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष मिला है और उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी है और वो 6 बार विधायक रह चुके हैं और प्लेन और पहाड़ में सामंजस्य बनाने में सक्षम है। जहाँ उनकी विधानसभा है वहाँ पर कारा ढूंढी, वहाँ से पहाड़ के लोग भी आते हैं और पूर्व के लोग भी, तो देखता हूँ कि बहुत अच्छा पार्टी ने जो है प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं।